Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बाहुबली माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी, ये ऐसा नाम था जिसकी गाजीपुर समेत कई जिलों में तूती बोल दी थी। एक विशेष समुदाय के वोट बैंक पर इस नाम का असर भी खूब था। मुख्तार अंसारी बाहुबली के नाम से चर्चित थे, लोगों में मुख्तार का बड़ा खौफ था। लेकिन आज बाहुबली कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और व्हील चेयर पर आ चुके हैं। जब से योगी सरकार उन्हें यूपी में लेकर आई है, अब उनकी पूरी तरह से मौज छीन चुकी है। अब वो वीवीआईपी नहीं बल्कि एक आम कैदी की तरह बांदा जेल में सजा काट रहे हैं। लगातार उनकी और उनके परिवार के अवैध संपत्तियां कुर्क हो रही हैं, ईडी की भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में कैसे मौज कर रहे थे, कैसे वो जेल में घर की तरह रहते थे, अब मैं इसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। दरअसल बात करें तो अब इसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मुख्तार अंसारी की तीमारदारी में 10 आईपीएस अधिकारी लगे थे और जेल में उनकी पत्नी भी साथ रहती थी। पंजाब की रोपड़ जेल में 10 आईपीएस अधिकारी मुख्तार अंसारी की खातिरदारी में लगे थे। इनकी देखरेख में ही अंसारी यहां सजा काट रहे थे। जेल में पत्नी से मिलवाना और वीवीआईपी इंतजाम करवाना इन्हीं अधिकारियों का काम था। सूबे में सरकार बदलने के बाद अब जेल मंत्री की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। 2019 में रोपड़ जेल भेजे गए थे मुख्तार, थी मेहमान नवाजी। जेल मंत्री ने अपनी रिपोर्ट पंजाब सीएम भगवंत मान के पास भेजी थी, जिसमें इन सभी बातों का जिक्र है। जेल मंत्री हरजोत बैंस ने साफ कर दिया है कि इस मामले में कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। मुख्तार अंसारी की जेल में बेहतरीन सुविधाएं देने के मामले में पूर्व की कैप्टन सरकार पर भी आरोप लगते रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मोहाली के बिल्डर से 10 करोड़ रुपए की मांगने का आरोप था। उसमें पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर मोहाली लेकर आई थी। 24 जनवरी 2019 को कोर्ट में पेश कर उसे रोपड़ जेल में भेज दिया गया था। लेकिन इस बारे में यूपीएटीएस ने खुलासा किया था कि यह केस पूरी प्लानिंग के साथ करवाया गया। इसमें मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल से निकालकर उसे पंजाब लेकर जाया जा सके, जहां वो आराम से जिंदगी गुजार सके। 2021 में पंजाब से यूपी लाया गया थे मुख्तार। लेकिन अब इस केस के बारे में यहां तक नहीं पता है कि उसमें हुआ क्या और अब तक पंजाब पुलिस क्या किया था। हालांकि योगी सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए पूरी तैयारी की और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले साल अप्रैल 2021 में उन्हें पंजाब के उत्तर प्रदेश से पुलिस ले गई। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जेल मंत्री वैंस ने सदन में गैंगस्टर अंसारी की वीवीआईटी ट्रीटमेंट देने का मुद्दा उठाया था, जिसे लेकर सदन में कांग्रेस ने सदस्यों ने काफी हंगामा किया था। और अब आप सरकार के जेल मंत्री ने दावा किया है कि गैंगस्टर जो अंसारी हैं वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको दिया जाता था। तो कुछ इस तरीके की जो चीजें थी वो कहीं कहीं सामने आ रही है, जिसको लेकर तमाम तरीके की बातें भी कही जा रही है। आखिरकार कांग्रेस जो है मुख्तार अंसारी से इतना लगाव क्यों रखी थी, ये भी सवाल उठ रहा था। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस मुख्तार अंसारी के जरिए एक विशेष वर्ग के वोट बैंक को अपनी तरफ चाहती थी और इसलिए उसने मुख्तार अंसारी की मदद की। इसकी वजह से मुख्तार अंसारी का राजनीतिक रसूख। मुख्तार अंसारी ने अब तक 2 बार बसपा और 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा है और जीत हासिल की है। मुख्तार अंसारी जो है मऊ क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में रिकॉर्ड 5 बार विधायक बने हैं। मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़ और वाराणसी समेत कई अन्य जिलों में मुख्तार अंसारी का दबदबा भी है। इतना ही नहीं, हाल ही में हुए चुनाव में बेटे अब्बास अंसारी ने मऊ से सुभाषपा और सपा के गठबंधन से चुनाव लड़े और उन्होंने जीत भी हासिल की है। तो वहीं उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी के गाजीपुर के सांसद हैं। तो उनके भाई के जो बेटे हैं मनु अंसारी, वो मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक है। तो रसूख तो अभी भी है, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है उससे उनकी कमर भी टूट चुकी है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।